देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। तो आरोप तो बहुत है नारायणगढ़ के अंदर, जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो जो लूट हुई वहाँ पर, जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। 4.5 सालों तक सत्ता में चुप्पी साध कर बैठे भाजपा जजपा के नेताओं ने गठबंधन टूटते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही। इसको लेकर जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी करारा पलटवार कर दिया है। गुरुग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने बिना नाम लिए नारायणगढ़ का जिक्र किया और कहा कि नारायणगढ़ में भी रेत माफिया, बजरी माफिया, जजों की हत्या की भी जांच होनी चाहिए। मेरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है, उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है, ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, आज चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार क्या जांच करवाएगी? आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार? देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जीरो टॉलरेंस, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। तो आरोप तो बहुत है नारायणगढ़ के अंदर, जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो जो लूट हुई वहाँ पर, जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच, क्यों नहीं होनी चाहिए जांच, सारी बातों पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बकायदा नाम लेकर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही। वहीं जवाब में दिग्विजय चौटाला ने नारायणगढ़ में माफिया गैंग का जिक्र कर दिया, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि दिग्विजय ने सीधा मुख्यमंत्री नायब सैनी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और जजपा के नेता आमने सामने हो रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मुद्दा लोकसभा के चुनावी मैदान में कितना गूंजेगा और इससे किसे फायदा नुकसान होगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।